बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, इंटरेस्टेड मास्टर की जानिब से आप सबको अपने चैनल में खुशामदीद कहता हूँ। दोस्तों, चंद असामियों के बारे में आज आपको बताना चाहता हूँ। जॉब्स थ्रू आउट पाकिस्तान, यानी पूरे पाकिस्तान से इसके लिए अप्लाई किया जा सकता है। चाहे आप पाकिस्तान के किसी भी कोने में रह रहे हैं, ये जॉब्स आपके लिए हैं। और ये जॉब OTS के जरिए, ओपन टेस्टिंग सर्विसेज के जरिए हो रहे हैं, यानी इनके टेस्ट OTS वाले लेंगे। तो पहले आपको एडवर्टाइज दिखा लेता हूं, थोड़ा सा आप देखें दोस्तों, फिर उसके बाद चलते हैं वेबसाइट पर के अप्लाई आपने कैसे करनी है। ये देखिए, ये एडवर्टाइज है, लेकिन इसमें लिखाई जो है बहुत मुश्किल से आपको नजर आ रही है। तो इसको, इस एडवर्टाइज को मैंने टुकड़ों में डिवाइड किया हुआ है ताकि हम आसानी से इसको रीड करें। ये एडवर्टाइज है, तो देखिए इसको टुकड़ों टुकड़ों में पढ़ लेते हैं। यहां पर मैंने एक टुकड़ा बनाया हुआ है। ये लिखा हुआ है कि अ पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन इनवाइट्स एप्लीकेशन फ्रॉम सुटेबल कैंडिडेट्स फॉर, आगे जो कटा हुआ है, ठीक है। तो यहां पर सबसे पहला वाला पोस्ट जो है असिस्टेंट प्राइवेट सेक्रेटरी APS, असिस्टेंट प्राइवेट सेक्रेटरी BPS 16 का है, और टोटल पोस्ट जो है ये 13 है। एक मेरिट पर है, 9 जो है 9 पंजाब के लिए है, लेकिन पंजाब में भी ICT, इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी, ये याद रखें। अप्लाई करने से पहले हमेशा 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 के लिए एडवर्टाइज को अच्छी तरह से रीड किया करें और अपनी एलिजिबिलिटी को चेक कर लिया करें। जिस पोस्ट के लिए आप मौजू हैं और जहां पर आपको अप्लाई की जरूरत है, तो और आपका इलाका उसमें शामिल है, तो अप्लाई कर लिया करें। अदरवाइज अपने पैसों को जाया मत किया करें। KPK से 1 है, गिलगित बल्तिस्तान से भी 1 है, और बलूचिस्तान से भी 1 है। इसके साथ ये इसके रिक्वायरमेंट है, एजुकेशन है, ये बैचलर डिग्री इसकी जरूरत है, और इसके लिए टाइपिंग स्पीड एक 100 वर्ड शॉर्टहैंड 100 है, और कंप्यूटर पर 50 टाइपिंग स्पीड होना चाहिए। दो नंबर पर देखिए, डेटा एंट्री ऑपरेटर, असल बात यही है, डेटा एंट्री ऑपरेटर, डेटा एंट्री ऑपरेटर 14 BPS 14 स्केल है, और 42 पोस्ट हैं इसके लिए। 18 से 25 साल इसकी उम्र है। 30 ICT इस्लामाबाद के लिए 30 है, सिंध के लिए 2 है, KPK 3 है, बलूचिस्तान 2 है, और गिलगित बल्तिस्तान 5 है। इसके लिए तालीम की जो बैचलर डिग्री और कंप्यूटर साइंस विद 2 ईयर एक्सपीरियंस भी जरूरत है इसके लिए, और 10,000 की पंच आपका स्पीड होना चाहिए। 3 नंबर पर लिखा हुआ है अकाउंट क्लर्क, अकाउंट्स क्लर्क BPS 11 है, 18 पोस्ट हैं इसका, और इस्लामाबाद के लिए 10 है, सिंध के लिए 2 हैं, खैबर पख्तूनख्वा 2 हैं, गिलगित बल्तिस्तान और बलूचिस्तान 1 है, और इनके लिए भी तालीम जो जरूरत है वो इंटरमीडिएट और विद डिप्लोमा इन कॉमर्स। इसके बाद जूनियर क्लर्क, 4 नंबर जूनियर क्लर्क, 9 स्केल 9 है, और 67 पोस्ट हैं ये। 19 इस्लामाबाद के लिए है, 6 AJK, KPK के लिए 8, गिलगित बल्तिस्तान 13, और बलूचिस्तान के लिए 21 है, और इसके लिए मिनिमम सेकंड मैट्रिक की तालीम इनकी जरूरत है। और IT ट्रेनिंग जिसने उन कंप्यूटर का शॉर्ट कोर्स किए हो वो बेहतर होंगे। आगे ड्राइवर के हैं, BPS 6 से 22 पोस्टें हैं, ये भी इस्लामाबाद, सिंध, बलूचिस्तान, KPK और गिलगित के हैं, इनके लिए मिडिल तालीम की जरूरत है। 6 नंबर पर लिखा हुआ है डुप्लीकेट मशीन ऑपरेटर, 4 पोस्टें हैं इसके लिए, इसको अप्लाई न करें भी तो ठीक है, कोई बात नहीं। यहां देखें नायब कासिद जो है ना, सबसे बड़ी बात यह है, नायब कासिद की 96 पोस्टें हैं, 96 पोस्टें हैं ये, और इस्लामाबाद रावलपिंडी जो है 53 है, लाहौर, मुल्तान, कराची, पिशावर, क्वेटा और गिलगित तमाम के लिए है, मिडिल तालीम इसको जरूरत है। इसके बाद लिखा हुआ है सिक्योरिटी गार्ड,
सिक्योरिटी गार्ड के भी 20 पोस्टें हैं, ये भी तरौर, रावलपिंडी, लाहौर, मुल्तान, ये है। इसके बाद ज्यादा पोस्टें जो है डेटा एंट्री ऑपरेटर और भी है, फील्ड ऑफिसर्स के बारे में है। ये देखिए डेटा एंट्री ऑपरेटर, यहां भी 56 पोस्टें, 56। आजाद कश्मीर का भी इसमें शामिल है, पंजाब है, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान, ये। और इसके लिए भी सेकंड क्लास बैचलर डिग्री और कंप्यूटर पर आपका स्पीड होना चाहिए। और ये है फिर नायब कासिद की पोस्टें हैं फील्ड ऑफिसर में, ये 73 है, ठीक है। इसको रीड करें अच्छी तरह से कि आपका कहां पर आ सकते हैं। और यहां सिक्योरिटी गार्ड जो है 151 सिक्योरिटी गार्ड है, ऑल पाकिस्तान, पूरे पाकिस्तान से है, मिनिमम मेडल है। अब अप्लाई कैसे करना है, क्या कंडीशन, टर्म और कंडीशन क्या है, यहां ये तो जस्ट सिंपल इतना लिखा हुआ है कि कंपनी को इख्तियार है कि असामियों की तादाद को ज्यादा करे या कम करे वगैरह वगैरह वगैरह, कोई टी या डी ए नहीं दिया जाएगा। ये देखिए 25 फरवरी को ये एडवर्टाइज आया था, 25 को ये एडवर्टाइज आया है। अप्लाई कैसे करने हैं, हाउ टू अप्लाई, तो ये देखिए आपने जाना है ओटीएस के साइट पर, www.ots.org.pk के आप जाते हैं, वहां पर भी जाएंगे। और आज से 20 दिन के अंदर अंदर आपने अप्लाई करना है, यानी ये आएगा, देखते हैं 14-15 मार्च बनता है। तो चलते हैं ओटीएस के वेबसाइट पर चलते हैं, ठीक है। सबसे पहले अपने ओटीएस के वेबसाइट पर जाओगे तो ये आपको ये ओटीएस का वेबसाइट डिस्प्ले हो जाएगी यहाँ, और इसका एड्रेस है ots.org.pk। यहां पर आने के बाद इस लफ्ज़ पर क्लिक करें, प्रोजेक्ट्स, इस प्रोजेक्ट पर क्लिक करोगे तो आपको ये पेज डिस्प्ले हो जाएगा, ठीक है। ये देखें, ये प्लेज, बल्कि ये नहीं, इससे पहले भी एक प्लेज आ गया, ये मैं प्रोजेक्ट पर क्लिक कर लेता हूं तो देखिए क्या होता है। ये प्रोजेक्ट पर मैंने क्लिक किया तो यहां पर ये पेज, वह ये पेज डिस्प्ले हो गए, ठीक है। यहां लिखा हुआ है ये वही है पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, यहां लिखा व्यू डिटेल, इस पर क्लिक करना। इस पर क्लिक करोगे तो आपको ये पेज डिस्प्ले हो जाएगा, देखिए ये पेज आ जाएगा। ये देखिए, ठीक है, यहां पर तमाम आसामियों को बारी बारी लिखा हुआ है, असिस्टेंट प्राइवेट सेक्रेटरी लिखा हुआ है, डेटा एंट्री ऑपरेटर, अकाउंट क्लर्क, जिस पर भी आपने अप्लाई करना है तो उस पर आपने क्लिक करना है। ये देखिए तमाम के तमाम यहां पर मौजूद है। परस करी मैं क्या करता हूं कि डेटा एंट्री ऑपरेटर के पर जाता हूं, तो यहां राइट साइड पर लिखा है व्यू, ये देखिए व्यू, इसका लास्ट डेट जो लिखा है 17/3, तमाम का 17/3/17 मार्च 2022 लास्ट डेट है सबके लिए। इसको मैंने व्यू पर क्लिक कर लिया, व्यू पर क्लिक करने के बाद एक और पेज डिस्प्ले हो जाएगी, ये यहां पर आप देखें तो यहां लिखा है अगर आपने एडवर्टाइज देखना है तो इस पर क्लिक करें, आपने अगर एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करने तो मैं पहले एडवर्टाइज को अगर आप चेक करना चाहें तो क्लिक करें, एडवर्टाइज पर क्लिक करोगे तो आपको ये एडवर्टाइज डिस्प्ले हो जाएगी, देखें ये वो वाला वो एडवर्टाइज है जो अभी हमने रीड कर लिया, ठीक है। अब देखिए रजिस्ट्रेशन फॉर्म, इसको क्लिक करें तो आपको एक फॉर्म डिस्प्ले हो जाएगी, उसको आपने डाउनलोड करना है, ये फॉर्म है, इस पर ये प्रिंट पर क्लिक करोगे तो ये आपका प्रिंट हो जाएगी, इसको प्रिंट करना है बेशक। प्रिंट करने के बाद इसको अच्छी तरह से रीड करना, फिल कर देना, आज इसकी जो इंस्ट्रक्शन है इसको लाजिमी रीड करें। ये इसका एड्रेस है, इसको आपने कैंची से काट कर लिफाफे पर लगाना है, इसी पर आपने भेजने हैं, ठीक है। और ये देखिए आपने कौन कौन से डॉक्यूमेंट अटैच करने हैं, ये फोटोग्राफ अटैच करना है, ओरिजिनल बैंक रिसिप्ट अटैच करना है, और एनआईसी जो है ना सीएनआईसी कॉपी अटैच करनी है, और ऑन द बैक साइड ऑफ द एप्लीकेशन, इसको अच्छी तरह से रीड कर लें। इसके बाद इस एड्रेस पर आपने भेजना है, और ये चालान फॉर्म है, ये आपने ओटीएस का भी एक ओटीएस को भेजना है और एक बैंक वाला अपने पास रखेगा, और इसका जब इसको आप जमा करेंगे तो कॉपी कर लें, फोटो कॉपी निकालें अपने पास रख लें। इसमें किसी के 300 रुपये पीस है और किसी का 325 है, तो इसको रीड करें कि आपको कौन सी फीस जमा करानी है। तो ये थी दोस्तों आज की वीडियो, लाइक और शेयर लाजमी करें, थैंक यू फॉर वॉचिंग।